आफ्टर लूजिंग अ मैच अ टीम विल एलिमिनेट फ्रॉम दी, अगर एक टीम जो है हार जाती है तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, किस में से? नॉकआउट टूर्नामेंट में, ऑप्शन बी लीग टूर्नामेंट में, ऑप्शन सी राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइज, ये वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें हम क्लास 12th के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर अप करेंगे। सो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, और हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दो ताकि जैसी कोई भी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 1, द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन कौन सा है? ऑप्शन ए कंट्रोलिंग, ऑप्शन बी बजटिंग, ऑप्शन सी प्लानिंग, ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजिंग। सो गाइज, ऑप्शन नंबर सी प्लानिंग बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, और यहीं से जो है मैनेजमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस टेक प्लेस। सो बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो किस में होता है? ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी स्टाफिंग, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी डायरेक्टिंग। सो गाइज, ऑप्शन नंबर बी स्टाफिंग इज द करेक्ट आंसर। स्टाफिंग का बेसिकली मतलब यही होता है पुटिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, सही इंसान को सही जगह पे प्लेस करना, और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 3, द कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लियोजन विद प्रिंट मीडिया इज द डैश कमिटी। ऑप्शन ए टेक्निकल, ऑप्शन बी लॉजिस्टिक, ऑप्शन सी मार्केटिंग, ऑप्शन डी फाइनेंस। सो गाइज, यहाँ पर प्रिंट मीडिया की बात हो रही है, सो ऑप्शन सी मार्केटिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ वर्क ऑफ डैश कमिटी। अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं तो कौन सी कमिटी का काम होता है? ऑप्शन ए टेक्निकल, ऑप्शन बी लॉजिस्टिक, ऑप्शन सी मार्केटिंग, ऑप्शन डी फाइनेंस। सो गाइज, ऑप्शन नंबर डी फाइनेंस कमिटी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी डन। अगर आप रूल्स और रेगुलेशन को पब्लिश करते हैं तो उसको कब करना चाहिए? ऑप्शन ए प्री इवेंट, ऑप्शन बी ड्यूरिंग इवेंट, ऑप्शन सी पोस्ट इवेंट, ऑप्शन डी एनी टाइम ड्यूरिंग द इवेंट। सो गाइज, ऑप्शन नंबर ए प्री इवेंट इज द करेक्ट आंसर। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको पहले ही बता देना चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स को आयोजित कराने से पहले, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9th अगस्त, ऑप्शन बी 19th अगस्त, ऑप्शन सी 28th अगस्त, ऑप्शन डी 29 अगस्त। सो स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द रेसेस इज रन टू प्रमोट ब्रदरहुड। कौन सी रेसेस जो हैं वो करवाई जाती हैं भाईचारे को बढ़ाने के लिए? ऑप्शन ए रन फॉर फन, ऑप्शन बी रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, ऑप्शन सी रन फॉर यूनिटी, ऑप्शन डी हेल्थ रन। सो गाइज, इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है ब्रदरहुड, और रन फॉर यूनिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आफ्टर लूजिंग अ मैच अ टीम विल एलिमिनेट फ्रॉम दी, अगर एक टीम जो है हार जाती है तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, किस में से? नॉकआउट टूर्नामेंट में, ऑप्शन बी लीग टूर्नामेंट में, ऑप्शन सी राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो गाइज, ऑप्शन नंबर ए नॉकआउट टूर्नामेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट हेल्प सेव टाइम। इनमें से कौन सा टूर्नामेंट टाइम को सेव करता है? ऑप्शन ए नॉकआउट टूर्नामेंट, ऑप्शन बी लीग टूर्नामेंट, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ऑप्शन डी राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। सो
सो गाइज ऑप्शन नंबर ए नॉकआउट टूर्नामेंट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. अ सुटेबल एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर फिक्स्चर्स वुड बी. सबसे सुटेबल और सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या होगा फिक्स्चर्स के लिए. ऑप्शन ए राउंड रॉबिन, ऑप्शन बी बाय टू टॉप टीम्स, ऑप्शन सी ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ऑप्शन डी चॉइस. सो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट वन. राउंड रॉबिन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी द रोल ऑफ. बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है जब सर्टिफिकेट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ऑप्शन ए लॉजिस्टिक कमेटी की, ऑप्शन बी मार्केटिंग कमेटी की, ऑप्शन सी फाइनेंस कमेटी की, ऑप्शन डी टेक्निकल कमेटी. सो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए लॉजिस्टिक कमिटी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट में मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्पस फॉर कंडक्टिंग अ कम्युनिटी रन इज फॉर. कम्युनिटी रन जो रेस है वो किस पर्पस की वजह से कंडक्ट कराई जाती है. ऑप्शन ए टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी रन फॉर पब्लिसिटी, ऑप्शन सी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ऑप्शन डी क्राउड फंडिंग. सो गाइज ऑप्शन नंबर ए टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है कम्युनिटी रन रेस जो है वो कराई जाती है. आगे मूव करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज वर्क ऑफ डैश कमिटी. सो बेसिकली अगर हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदते हैं तो वो किस कमिटी का वर्क होता है. ऑप्शन ए टेक्निकल, ऑप्शन बी लॉजिस्टिक, ऑप्शन सी मार्केटिंग, ऑप्शन डी फाइनेंस. सो गाइज ऑप्शन नंबर डी फाइनेंस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट में मूव करते हैं. अ गुड प्लान शुड नॉट बी. गुड प्लान जो है वो क्या नहीं होना चाहिए. ऑप्शन ए स्पेसिफिक, ऑप्शन बी लॉजिकल, ऑप्शन सी ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन डी फ्लेक्सिबल. सो गाइज ऑप्शन नंबर सी ऑटोक्रेटिक इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. इन प्लानिंग डिफाइनिंग प्रोसीजर मीन्स. प्रोसीजर का बेसिकली मतलब क्या होता है. ऑप्शन नंबर ए सेटिंग गोल्स, ऑप्शन बी मेकिंग अ पॉलिसी, ऑप्शन सी लेइंग डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑप्शन डी डिफाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन. सो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. सो गाइज इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पे फिनिश हो जाती है. आई होप आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे. नीचे एमसीक्यू के आंसर जरूर बताइएगा कि आपने क्या क्या टिक लगाए हैं और कितने में से आपने कितना स्कोर करा है. सो ऑल द बेस्ट. आई होप आपका पेपर जो है वो अच्छा जाए. थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच.